हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो टेलीविजन। तो आज टॉपिक आपके लिए लेके आए ईगो टीवी है मेरे पास 21 इंची। इसका फॉल्ट आपके स्क्रीन पर मैं आप दिखाऊंगा, लेकिन ये फॉल्ट बहुत क्रिटिकल है। इस फॉल्ट के लिए मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा है इस फॉल्ट को निकालने के लिए। अगर आपको पता है तो आप फटाक से निकाल भी सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को बने रहिए। मैंने इस फॉल्ट को निकाला है, लेकिन कहाँ से मैंने किन किन बातों का ध्यान रखा है और कहाँ कहाँ पे मैंने इसका काम किया है, इसके लिए मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके पास भी इस प्रकार का फॉल्ट आता है तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको निकालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आप झट से पट निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने आपको वीडियो में आपको दिखाया है ये फॉल्ट कहाँ से निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने इस टी बढ़ाया है इसलिए हमारा स्क्रीन है जो ग्रीन दिखाई दे रहा है। ये मोबाइल की वजह से मैं आपको अच्छी तरह से दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर धुंधला सा जो AV जो ऑप्शन आ रहा है, AV हो या आपका पिक्चर हो, लेकिन ये ABL का प्रॉब्लम नहीं है, मान सकते हैं ABL से ही रिलेटेड है, लेकिन ABL का नहीं है। क्योंकि ABL पॉइंट में अगर आप 150 से 100 ओम्स का रजिस्टर एडजस्ट कर देते हो तो अपना जो पिक्चर क्वालिटी है वो बढ़ जाता है, लेकिन इसमें पिक्चर क्वालिटी भी नहीं दिख रहा है और मेनो भी अपना कम आ रहा है। और पिक्चर जब मैं ST का ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो ये क्वालिटी कम ज़्यादा हो रही है। तो इसकी एक खासियत बात है कि भाई मैंने इससे आपके लिए खास ये वीडियो आपके लिए हो सकता है, अगर आप CRT TV में अभी भी रिपेयर कर रहे हो और आपको आसानी से देख रहे हो यहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ, लेकिन पहले इस तरह से वर्किंग नहीं कर रहा था क्योंकि इसका ESP भी ख़राब निकला था, लेकिन ESP भी इसी प्रकार से काम कर रहा था, लेकिन थोड़ा कम प्रकार से काम कर रहा था, मतलब कम रेगुलेशन की वजह से। तो इसमें पहले तो मुझे ऐसा लगा कि इसका बेस का फॉल्ट है, तो मैंने इसका बेस चेंज किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका यहाँ पर बेस देख सकते हो, यहाँ पर शोल्डर कर दिया है। मैंने इसके ट्रांजिस्टर को भी चेक किया, जिसके ABL के जो होते हैं अपने ग्रीन वोल्टेज, जैसे कैथोड ग्रीन, कैथोड ब्लू और कैथोड रेड, ठीक है। तो इसमें ये भी प्रकार के मैंने चेंज कर दिया है, और मेरे पास एक सेकेंड ST था, इसका ST भी मैंने चेंज कर दिया है। ESD तो ख़राब ही था, लेकिन ESD लगवाने के बाद ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आया है, क्योंकि ईगो टीवी में इस प्रकार ये ओनिडा और ईगो दोनों में ये किट चलता है, किट सेम ही है। मैंने इसके, मुझे ऐसा लगा कि रेमबो रास्टर दिख रहा है, तो मैंने इसका एयर वर्टिकल भी चेंज कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम वर्टिकल में भी नहीं था। फिर बाद में इसके वोल्टेजेस को मैंने मेजर किया, जैसे कि अपने बेस के लिए जाने के लिए 6 वोल्ट और 1.1, 1.2, 1.2, 1.3, ठीक है, ये 4 वोल्टेजेस यहाँ पर होते हैं जो कैथोड ग्रीन और रेड और ब्लू कलर के होता है, ठीक है। तो इसके मैंने चेक किया, तो यहाँ पर मैंने इस जगह पर ABL के जो अपने रजिस्टर रहता है जो 100 ओम्स का, यहाँ पर रजिस्टर भी इंस्टॉल करके देख लिया, लेकिन ये फॉल्ट मुझे यहाँ से भी नहीं निकला है। तो फिर बाद में मैंने इसके वोल्टेजेस चेक किए, जैसे 200 वोल्ट हमारा जो बेस के लिए इंस्टॉल होता है, और इसके बाद मैंने इसके पूरे वोल्टेज जैसे 110, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, बाद में अपना ऑडियो के लिए 12 से 16 वोल्ट इसको चेक किया। फिर बाद में इसका सेक्शन जो है, मतलब इसमें बहुत सारा मैंने काम किया, लेकिन ये फॉल्ट मुझे निकला ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि अभी इसमें क्या हो रहा था कि ABL का जो पॉइंट है, जैसे इसे कंटिन्यू रखता रखता हूँ, तो यहाँ में ABL का जो पॉइंट है, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा था, मतलब ABL सेक्शन का पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें आ रहा था, लेकिन इससे बाईपास होके इस जगह पर नहीं आ रहा था, ABL का वोल्टेज है यहाँ पर नहीं आ रहा था। जैसे मैं इसे मीटर को, फ्रॉक को इस जगह पर लगा देता हूँ, तो मैंने बाद में चेक किया कि यहाँ पर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है। मैंने सारे सेक्शन चेंज किए और कंटिन्यूटी पे मैंने मीटर को रखा ही नहीं, सिर्फ डायरेक्टली वोल्टेज चेक करता गया और मुझे 1.5 घंटा इसमें लग चुका है। तो सही बात है, मैंने सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाया कि आप भी इस प्रकार से इस फॉल्ट को ज़्यादा देर तक कभी भी ना परेशान हो जाए कि ये फॉल्ट कहाँ से निकल सकता है। तो मैंने ESD को इंस्टॉल किया, बाद में ESD, अगर ग्राहक की बात माने तो ग्राहक ने कहा थी ESD एक बार बच के TV जो है हमारा बंद हो चुका था, वो सही था। TV जो स्पार्किंग आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जल चुका है, मतलब इसके वजह से ही TV बंद हो गया था, लेकिन मैंने इसे इंस्टॉल किया तो
बाद में मुझे ये फॉल्ट मेरे नज़र आ रहा है, तो ये फॉल्ट थोड़ा क्रिटिकल लगा, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो यहाँ पर बात करते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू पर चेक किया, तो यहाँ से मैं इस जगह पर गया, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी मुझे नज़र आ रही थी, और यहाँ पर ईबीकल पॉइंट के भी पास मुझे कंटिन्यूटी नज़र आ रही थी। तो मैंने इसे सर्च किया, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक डायोड है और यहाँ पर एक डायोड है। मैंने इसे ओल्ड चेक किया तो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा, यहाँ पर दिखा रहा था, ठीक है। मतलब ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है। तो यहाँ से मैं थोड़ा रिसर्च करके इस जगह पर आया, तो ये देख रहे हो यहाँ पर ये वाला डायोड मैंने आपके लिए सिर्फ दिखाने के लिए ऊपर से लगाया, ताकि आप ये फॉल्ट मेजर कर सके कि आपको। तो इसे मैंने निकाल लिया और इस जगह पर अपना नया डायोड है इंस्टॉल कर दिया। तो अपना जो प्रॉब्लम है, एक चुटकी में ही डायोड को मैंने चेंज कर दिया, तो हमारा जो फॉल्ट है जो ABL का ही है, लेकिन ABL में हम क्या करते हैं, अपने रजिस्टर को चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर अपना डायोड ख़राब था। देख रहे हो यहाँ पर हमारा मीटर जो है कंटिन्यूटी दिखा रहा है, और यहाँ से साइड में ये नज़र में नहीं आने वाला ही फॉल्ट है भाई। ये बहुत क्रिटिकल फॉल्ट था, इसी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ये ड्राइवर चेंज कर दिया, और अपना जो वीडियो है, अपना जो टीवी है, पूरी तरह से ओके हो चुका है। आप भी इसे सेक्शन वाले फॉल्ट को एक ईजी से आप निकाल सकते हो। अगर ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आता होगा तो अच्छी बात है, पूरी तरह से ओके हो चुका है। यहाँ पर देख रहे हो पिक्चर क्वालिटी कैसी परफेक्ट आ रही है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।